नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अभिलाषा किचन क्वीन चैनल पे। तो आज मैं आप सभी के सामने बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी लेकर आई हूँ, शिमला मिर्च और प्याज का, जो फटाफट बन जाते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं बनकर। इस तरह से बनाएंगे तो बार बार इस तरह का शिमला मिर्च प्याज का सब्जी बनाकर खाना पसंद करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 6 शिमला मिर्च ले लिया, ये 300 ग्राम के लगभग है, और यहाँ पर मैंने 6-7 प्याज ले लिया छोटे साइज़ का, देख रहे हैं, स्लाइसेस में काटूँगी। तो यहाँ पर ये मैंने छोटे साइज के प्याज लिए साथ, अब इसे मैं काट लेती हूँ। तो देखिए, शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से स्लाइसेस में काटे हैं। ये मैंने हर रेड वाले और ग्रीन वाले दोनों शिमला मिर्च लिए हैं। आप चाहे तो सिर्फ ग्रीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको पसंद हो तो दोनों कलर भी डाल सकते हैं, मुझे दोनों पसंद है तो मैंने दोनों कलर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो छोटे साइज के प्याज लिए थे उसे इस तरह से स्लाइसेस मैंने कट कर लिए हैं। अब चलिए, मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा दिया है, ऑयल इसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल गर्म हो रहा है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी शिमला मिर्च, सेलो फ्राई करूंगी इसे। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है, तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का मुलायम हो जाए उतना ही से फ्राई करना है। तो देखिए, डालकर मैंने मिला दिया है इसे ऑयल में, 1 से 1.5 मिनट इसे भूनूंगी। उसके बाद मैं इसे प्याज ऐड करूँगी। तो देखिए, 1.5 मिनट के लगभग हो गया, तो मैं इसमें ऐड कर लूँ प्याज जो मैंने स्लाइस से निकाल कर रखे थे। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे किसी भी रेसिपी के बारे में पूछ सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे प्याज को डाल दिया, और इसे भी मिला डालकर अच्छे से मिला लूँगी। मिलाकर 1 से 1.5 मिनट इसे भूनूंगी, मतलब टोटल 3 मिनट मैं प्याज और शिमला मिर्च को इसे भूनूंगी। तो देखिए, मैंने ढक कर इसे भूना है, 3 मिनट हो चुका है टोटल। देखिए, मैं प्याज डाल के मैंने भून लिया, अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए, मुलायम हो चुका है, इससे ज़्यादा इसे नहीं फ्राई करना है। अब मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ। तो देखिए, इसे एक बर्तन में मैंने निकाल लिया, इसे साइड कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पर कुछ फ़ोरन लिए हैं तो आपको दिखा दूँ। यहाँ पर मैंने लिया है जीरा, थोड़ा सा मैंने राई लिया है, थोड़ा सा सौंफ लिया है, और थोड़ा सा मेथी लिया है। ध्यान दें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, 1/4 चम्मच इन सभी को लिया। कुछ खड़े मसाले, लौंग, गोल मिर्च और दालचीनी। यहाँ पे मैंने हरी मिर्च लिया है 2, इसे बारीक कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने करी पत्ता लिया है। यहाँ पे पैन में से मैंने जो निकाला था तो थोड़ा सा बच गया था ऑयल, तो थोड़ा और ऑयल डाल दिया है मैंने, जो गर्म हो रहा है। ऑयल गर्म हो गया, इसमें सारे फ़ोरन में डाल देती हूँ, सौंफ, राई, जीरा, मेथी और खड़े मसाले, और इन सभी को अच्छे से चटकने देती हूँ। तो देखिए, चटक रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसमें डाल देती हूँ हींग, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इन सभी को अच्छे से मिला देती हूँ। अब देखिए, चटक गया है लगभग, तो मैं इसमें करी पत्ता ऐड कर देती हूँ। 5 सेकंड के लिए मैं करी पत्ता भी चटका लेती हूँ। तब तक मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ के 2 प्याज लिए थे, जिसे बहुत ही बारीक मैंने कट कर लिया इस तरह से। आप चाहें तो इसका पेस्ट बना कर भी डाल सकते हैं मिक्सी करके, मैंने इसे बारीक कट किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी, फोरन मेरा पक चुका है, इसे प्याज ऐड कर दूँगी और साथ ही हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। बिल्कुल ही आपको खाइएगा घर पर बनाकर, तो लगेगा नहीं कि आप रेस्टोरेंट का नहीं खा रहे हैं। प्याज शिमला मिर्च का सब्ज़ी उसे मैं मिला दूँगी, गैस को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। तो देखिए, प्याज को मैंने अच्छे से मिला दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 छोटा चम्मच नमक। नमक से प्याज बहुत जल्दी गल जाता है और पक जाता है, लाल हो जाता है, मुलायम भी हो जाता है। मैंने डाल दिया है ताकि प्याज में जल्दी से पक जाए। तो चलाते हुए पकाऊंगी जब तक अच्छे से मुलायम लाल ना हो जाए। तो देखिए, प्याज 80% के लगभग पक चुके हैं। तो अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो इसे ग्रेटर से ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। मैंने इसका पेस्ट डाला है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। इसे भी मैं 2 मिनट भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए लहसुन अदरक का। देखिए, 2 मिनट हो चुका है, लहसुन अदरक का पेस्ट भुना चुका है, कच्चापन दूर हो गया है। तो अब मैंने यहाँ कुछ सूखे मसाले लिए हैं, जैसे नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है, और 1/2 चम्मच मैंने गर्म मसाला पाउडर लिया है। तो अभी मैं इसमें डाल देती हूँ हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर,
इन सभी को अच्छे से मिला देती हूँ। बहुत ही अच्छा कलर आता है। और प्याज पहले आप डाल दें, मैं लाल मिर्च और हल्दी, कलर इसका बहुत ही अच्छा आता है। देखिए इसे मिला दिया मैंने और एक मिनट इसे भून लूँगी, ज़्यादा नहीं भूनना वरना मसाले जल जाएंगे। एक मिनट में इसे भून लेती हूँ। इधर देखिए मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिया था, जिसका मैंने प्यूरी बना लिया इस तरह से। आप चाहे तो बारीक कट करके भी डाल सकते हैं, तब मैं प्यूरी इसमें डाल दूँगी इस तरह से, और डाल के अच्छे से मिला दूँगी। देखिए कितना अच्छे से कलर आया है। अब मैं जो मिक्सी जार में सटा हुआ है टमाटर, उसे पानी थोड़ा सा डाल के उसे भी इसमें डाल दूँगी मिलाकर। तो 2 मिनट के लगभग मैं इसे भून लूँगी टमाटर और प्याज के साथ में। इसके बाद बाकी मसाले डालूँगी मैं, चलाते हुए मैं 2 मिनट भून ले रही हूँ। तो 2 मिनट हो चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी धनिया पाउडर, उसे भी अच्छे से मिला दूँगी। तो देखिए कितना अच्छा से धनिया पाउडर भी मैंने मिला दिया। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और यहाँ पे मैंने इस चम्मच से 4 चम्मच फ्रेश दही लिया है और इसे अच्छे से मैंने फेंट लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी, गैस मैंने इसलिए बंद कर दिया, बिल्कुल लो फ्लेम पे भी रख के डाल सकते हैं, फटने का थोड़ा चांस रहता है दही, इसलिए मैंने गैस बंद कर दिया इस और इसको डालूँगी। डालकर अच्छे से मिला दूँगी, उसके बाद गैस को जला लूँगी और जलाकर लगातार चलाते हुए कुछ देर इसे पकाऊँगी, नहीं तो ये फट जाते हैं दही। इस तरह से मैंने मिला दिया है। अब गैस को जला लेती हूँ। तो देखिए चलाते हुए मैं इसे अब तब तक पकाऊंगी जब तक मसालों में से ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक लगातार चलाते हुए मैं पकाऊंगी मसालों को। तो देखिए मैंने ढककर मसालों को 5 से 6 मिनट के करीब भूना है। कितना अच्छे से भुना गया है, देखिए नज़दीक से मैं दिखा रही हूँ, ऑयल कितने अच्छे से छोड़ चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। पानी में 1 कटोरी इस कटोरी से ऐड कर लूँ, आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा जैसा ग्रेवी आपको पसंद हो डाल सकते हैं। मैं थोड़ा लटपट बना रही हूँ, 1 कटोरी ही मैं ग्रेवी रखूँगी। इसे चावल, रोटी, पूरी, पराठे किसी चीज़ के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है और बिल्कुल लगेगा कि रेस्टोरेंट स्टाइल शिमला मिर्च और प्याज की सब्ज़ी। इसका कलर भी कितना अच्छा आया है। तो इसमें मैं एक उबाल आने देती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे से उबाल आ गया है। अब मैं गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दूंगी, उसमें 1/2 चम्मच मैं गरम मसाला डाल देती हूँ और साथ में मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी लिया था, इसे मैं डाल देती हूँ और डालकर अच्छे से मिला देती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से मैंने मिला दिया। तो मिलाने के बाद मैं यहाँ पे मैंने जो शिमला मिर्च और प्याज लिया था इसे मैं डाल देती हूँ इसमें। तो देखिए शिमला मिर्च और प्याज को मैंने ग्रेवी में डाल दिया है और 2 मिनट में इसे पकाऊंगी ग्रेवी के साथ, ताकि अच्छे से मसाले में मिल जाए शिमला मिर्च और प्याज में। इसे ढक देती हूँ और 2 मिनट मैं पकाती हूँ। तो देखिए 2 मिनट हो चुका है, कितना अच्छा से सब्जी मेरा तैयार हो गया है। कलर कितना अच्छा लग रहा है, देख के लग रहा है ना बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो अब लास्ट में मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे 2 चम्मच मैंने घर की फ्रेश मलाई लिया है, जिसे अच्छे से फेंट लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे मैं डाल दूँगी, और भी अच्छा फ्लेवर देगा। इसे डालकर मैं अच्छे से मिला देती हूँ। देखिए तैयार हो गया मेरा शिमला मिर्च प्याज की सब्जी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही पसंद आएगा। इस तरह से बच्चे बड़े सभी उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे। अब मैं इसे ढक देती हूँ। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।